हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे एक यूट्यूब मेंबर ने एक सीन को रिकमेंड किया है कि ये सीन कैसे हम बना सकते हैं, इसका एडिटिंग ब्रेकडाउन करिए। तो नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है जिसका हमें एक सीन जो है रिक्रिएट करके दिखाना है कि किस तरीके से हम उस टाइप का सीन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला जो सीन है ये मैं वीडियो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, इस सीन को हमें रिक्रिएट करके दिखाना है कि ये वाला सीन जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेंगे, देन मैं आफ्टर इफेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस सीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया, हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो 10 सेकंड का ड्यूरेशन ले रहे हैं हम, और यहाँ पे 1920x1080p 30 फ्रेम रेट का हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है और एक इमेज लेकर के आना है, उसके अंदर इमेज शो करनी है। देन ये आइकन वगैरह हमें रिक्वायरमेंट रहेंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट का जो एनिमेशन है वो रेगुलर बेसिस पे मूव कर रहा है, तो ये एनिमेशन हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम कुछ एसेट्स जो है, जो कि हमें एसेट्स लगने वाले हैं, वो सारे एसेट्स जो है हम यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल एलिप्स टूल ले लेते हैं हम, और एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक मेन सर्कल क्रिएट कर दिया, एंकर पॉइंट सेंटर में कर देंगे हम इसका। देन इसके बाद में हमें तीन छोटे छोटे सर्कल जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो ये देखें, हमने तीन छोटे छोटे सर्कल जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, और हम चाहें तो इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो सिंपल हम थोड़ा बड़े साइज़ का जो है सर्कल एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये देखिए, ये कर लिया हमने। अब इसको जो है डुप्लीकेट कर देंगे हम, और डुप्लीकेट करने के बाद में इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। अब हमें तीन इमेजेस चाहिए हैं, तो एक इमेज चाहिए जो कि यहाँ पे रहेगी, देन तीन आइकन चाहिए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ PNG इमेजेस जो हैं इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मूव करेंगे, कुछ PNG इमेजेस हमें चाहिए, लाइक जैसे कि हम, चलिए ये इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को हमने ले लिया है, यहाँ पर हम रखेंगे इमेज को, और इसको छोटा कर लेते हैं हम। देन हमें ये इमेज यहाँ पे दिखानी है, तो थोड़ा और छोटा कर लेंगे हम इमेज को, और इस इमेज को यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये इमेज हमने यहाँ पे ले ली है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम इसे, 43 बेस्ट रहेगा साइज़, चलिए ठीक है, ये साइज़ हमने ले लिया है। अब हमें करना क्या है कि इस शेप का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे, और नीचे वाले का नाम दे देंगे हम बॉर्डर, ठीक है। और ये वाला जो शेप है, तो इस शेप से इस इमेज को ट्रैक मैट कर देंगे। तो सिंपल हमने इस इमेज को इस शेप से ट्रैक मैट कर दिया है, तो ये देखें अब यहाँ पर आ चुका है। अब नीचे वाली जो इमेज है इसमें हम बॉर्डर दे देंगे, तो बॉर्डर का जो कलर है वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो वैसे इसमें देख लेंगे वीडियो में क्या कलर यूज़ किया गया है, तो ब्लू कलर यूज़ किया गया है, और बैकग्राउंड भी ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इसका जो फिल है वो ब्लू चूज़ कर देना है, तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर चूज़ कर दिया इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो हमें ब्लू कलर का रखना है, तो देन हम जो है इसको ऑन कर देंगे, तो ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया। और बॉर्डर जो है, बॉर्डर हमको ब्लू कलर की रखनी है, बट इसमें जो है स्ट्रोक यहाँ पर ऑन कर देंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमें यूज़ करना है ग्लो, तो सिंपल हम इसमें अप्लाई कर देंगे ग्लो, तो डीप ग्लो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, नॉर्मल ग्लो ही यूज़ करेंगे हम। तो ये देखें, सिंपल हमने जो है डीप ग्लो इसमें यूज़ कर दिया, इसका जो रेडियस है वो हम कम कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, जो सेम उसी टाइप से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसका जो आप स्ट्रोक है वो आप चाहें तो कम कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कम कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा सिमिलर सा लुक आपको यहाँ पर देखने मिल जा रहा है, जैसे यहाँ पर आपने देखा वैसे सेम हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। देन हमें यहाँ पर इसी तरीके से ये तीनों यूज़ कर लेने हैं, तो तीनों को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इसको हमने किया, देन इसको दे देते हैं ब्लू, यहाँ पे ब्लू नाम दे दिया इसको, डुप्लीकेट कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर नाम दे देते हैं ब्लू बॉर्डर, यहाँ पे कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो चुका है यहाँ पे। अब इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लू कलर, तो सेम कलर पिक कर ले रहे हैं हम। और यहाँ पे इसका बॉर्डर का भी कलर जो है हम सेम ले लेंगे, देन इसमें स्ट्रोक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया स्ट्रोक, और सिंपल जो डीप ग्लो है उसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बॉर्डर में। तो ये देखिए, इस तरीके से हो गया है। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, तो यहाँ पे ले लेंगे, तो ये है ऑरेंज कलर, तो इसको नाम दे देंगे यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। एंड डुप्लीकेट कर देंगे इसको हम, और 2 को लेकर के आएंगे नीचे, और इसको नाम दे देंगे ऑरेंज बॉर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो कलर है वो हमें सेट कर देना है ऑरेंज,
और इसका जो कलर कोड है ये हम कॉपी कर लेंगे, एंड हमें बॉर्डर में भी सेम कलर देना है, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे 10। देन जो है हमें इसका इफ़ेक्ट है डीप ग्लो का, वो कॉपी करके हमें बॉर्डर में पेस्ट कर देना है, तो ये देखें। एंड थर्ड वाला जो कलर है वो है ग्रीन, तो यहाँ पे हम इसको पहले तो सबसे पहले ग्रीन कलर चूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर चूज़ कर लिया है, ठीक है। एंड इसके बाद में सेम इसका डुप्लीकेट कर, पहले नाम दे देंगे इसको ग्रीन एंड डुप्लीकेट कर देंगे इसको, ठीक है। इसका डुप्लीकेट कर दिया और इस लेयर को नीचे ले आएंगे और इसका नाम दे देंगे ग्रीन बॉर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया है, बस इसमें हमको जो यहाँ पे इसका जो कलर है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है सेम कलर, एंड इसमें स्ट्रोक दे देना है आपको 10, एंड ग्लो को इफ़ेक्ट जो डीप ग्लो था उसको हमें पेस्ट कर देना है इसमें भी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हमें सिंपल करना क्या है, इसका जो कलर है वो हमें थोड़ा सा और लाइट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे बॉर्डर दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सिमिलर टाइप से हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें जो आइकन वगैरह है ये यहाँ पे पेस्ट प्लेस कर देने हैं, आइकन जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई भी आइकन को इम्पोर्ट कर देते हैं, लाइक जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ आइकन वगैरह हमको PNG मिल जाएंगे, तो हम जैसे कि ये नाइकी का मिल गया है, तो इस नाइकी के आइकन को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, तो ब्लू वाले के ऊपर हमको जस्ट रखना है और इसका जो साइज़ है हम स्मॉल कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखे यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने इसको, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम साइज़ इसका 8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको प्लेस कर दिया है। देन हमें एक और आइकन चाहिए, अब आइकन कुछ भी हो सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं सेम एज इट इज़ लगाऊँ, है ना, आइकन कुछ भी हो सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर ले करके आ रहा हूँ, जो भी मुझे आइकन मिल जाएंगे तो वो मैं ले आऊँगा, जैसे कि मैं मर्सिडीज़ का एक आइकन ले लेता हूँ और एक BMW का ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों आइकन मैं प्लेस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मर्सिडीज़ का आइकन ले लिया मैंने, ऑरेंज के ऊपर रख देंगे हम इसको, और इसका जो स्केल है वो हम कम कर देंगे यहाँ पे, इसको मैं 8 कर दे रहा हूँ, एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। और छोटा कर देते हैं हम इसको, 7 कर देंगे हम इसको। देन यहाँ पे BMW का आइकन, इसको ग्रीन के ऊपर रख देंगे, इसको भी स्केल कर देंगे हम, और ये हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने आइकन जो है प्लेस कर दिए हैं, हालांकि यहाँ पे वाइट रहता तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आता है यहाँ पे, बट कोई नहीं, हमने केवल एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एनिमेशन है ये आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, लाइक जैसे कि एनिमेशन स्टार्टिंग से कैसे हो रहा है, ये 3 आ रहा है, फिर उसके बाद से जो है वो जो लाइन है यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और फिर इसके बाद जो नोट है वो यहाँ पे एनिमेट हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमें करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, और पेन टूल लेने के बाद में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, देन इसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है कि वाइट कलर है और फिर ऊपर जो है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है बॉर्डर पे। सिंपल हमने इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दी यहाँ पे। अब हमें जाना है यहाँ पे, अब इसका नाम हम दे देते हैं लाइन, लाइन 1 कर दिया हमने इसका नाम। अब सिंपल इसमें जाएंगे स्ट्रोक में, तो यहाँ पे कंटेंट में जा करके शेप में जाएंगे, इसके स्ट्रोक में जा करके यहाँ पे बट कैप को हम राउंड कैप कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने लग जाएगा। देन इसके बाद में हमें करना क्या है कि इसका जो स्ट्रोक है उसको कर देना है डुप्लीकेट, तो ये हमने कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट। अब हमें करना क्या है कि जो नीचे वाला स्ट्रोक है इसका जो कलर है वो हमें कर देना है ऑरेंज कलर, तो ये हमने ऑरेंज कलर कर दिया है। और इसकी जो विड्थ है वो हमें थोड़ी बढ़ा देनी है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर विड्थ इसकी बढ़ा दी, तो ये अब सेम वैसे ही दिखने लग गया जैसे ये था, अब वैसे ही यहाँ पे हमारा दिखने लग गया है। तो इसके जो विड्थ है हमने समथिंग कर दी 175 है, तो 180 कर देते हैं हम इसको। एंड हमें जो है यहाँ पे अब सेम इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे देखने मिल जा रहा है, तो ये जैसा इफेक्ट है सेम वैसे यहाँ पे सेम इफेक्ट देखने मिल गया, बट इस लाइन को जो है हमें नीचे ले करके जाना पड़ेगा, तो ये ब्लू के नीचे हम ले करके आ गए हैं इस लाइन को। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने मिल रहा है, और इसके पीछे हमको करना पड़ेगा, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे लाइन का जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जा रहा है, बट आपको एनिमेट करना है यहाँ पे। तो सिंपल आपने 1 सेकेंड का एनिमेशन जो है इसमें हम कर देंगे, तो ऐड पे जाएंगे हम, ट्रिम पाथ पे जाएंगे, तो ट्रिम पाथ पे जाने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पे की लगा देनी है, तो एंड की लगा दी और स्टार्टिंग पे आकर के उसको हम 0 कर देंगे। तो ये देखिए सेम एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है, तो सिंपल आपको इसको ईजी कर देना। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा स्मूथ एनिमेशन आपका यहाँ पे हो चुका है, तो सिंपल आपको करना क्या है, इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो लाइन 2, अब लाइन 2 में जो इसका पॉइंट है इसको आपको उठा करके यहाँ पे प्लेस कर देना है। देन इसके बाद में फिर कंट्रोल डी करना है इसको डुप्लीकेट, एंड फिर इस पॉइंट को आपको उठा करके इधर कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे
एक साथ जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपका यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपका नोट का जो PNG इमेज है वो आपको ढूंढ लेना। तो एक बार हम देख लेते हैं, यदि हमारे पास में इमेज होगा तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे या फिर हम कोई एक इमेज जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल आपको डॉलर वाला जो नोट है, तो कार्टून वाला जो वेक्टर इमेज है वो आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, यदि हमारे पास में अवेलेबल होगा तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम एक इमेज जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो आई होप इमेज मेरे पास में शायद तक नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं एक इमेज को। तो यहाँ पर डॉलर नोट इमेज, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया है। सिंपल इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको मिल जाएगा, तो हम कोई सा भी इमेज जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने साइज को लार्ज कर दिया एंड यहाँ पे हमको कर लेना है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अब हमें जो है ट्रांसपेरेंट इमेज देखना है, तो ये देखिए एक इमेज है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसमें वाटर मार्क है। हम दूसरी इमेज देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने दूसरी इमेज देख ली, इसमें भी वाटर मार्क है। चलिए कोई नहीं, तो हम यहाँ पे जो भी इमेज हमको बेस्ट मिलती है तो वो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। लाइक जैसे कि ये वाली यहाँ पे ठीक दिख रही है इमेज हमें, बट मे बी शायद तक PNG इमेज नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड PNG पर हमने क्लिक कर दिया है, अब हमने सिंपल इसको यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं हो पा रही इमेज, तो यहाँ पे सिंपल हमने स्निपिंग टूल ले लिया है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम जा कर के इसको कर देंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद में हम आएंगे रिमूव BG पे। तो सिंपल इस वेबसाइट पे आकर के हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस इमेज को, और यहाँ से हम जो बैकग्राउंड जो है इसमें रिमूव कर देंगे वाइट और PNG कर लेंगे इस इमेज को। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल हमने इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है, और हम सिंपल जाएँगे आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ पर इस इमेज को जो है इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पे रख लिया है। अब हमको करना क्या है, इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे छोटा कर देंगे पहले हम, देन इसके बाद में इस इमेज को यहाँ पे सेट कर लेंगे, और सिंपल करना क्या है इसका साइज़ और हम 25 कर देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। देन इसके बाद में हमें करना क्या है कि इस जो लाइन है, तो जैसे कि इस लाइन में हम करना है, तो लाइन वन में आएंगे हम, लाइन वन पर जा कर के हमें सिंपल जाना है इसके पाथ में, और पाथ को करेंगे क्लिक, कॉपी किया हमने और यहाँ पर पहले इस इमेज को कर देंगे डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के बाद में एक यहाँ रख देंगे, देन डुप्लीकेट और एक को यहाँ रख देंगे। अब हमें करना क्या है कि जो ये वाली इमेज है इसमें जाएंगे पोजीशन पे, तो यहाँ पे पी प्रेस की हमने पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल जा करके हमको पी पे क्लिक कर देना और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो पाथ है यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से जो इमेज है यहाँ पर एनिमेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से सिंपल हमको करना क्या है कि जो सेकेंड इमेज है, सेकेंड वाली लाइन है, तो सेकेंड वाली लाइन पर जाएंगे, इसके कंटेंट पर जाएंगे, शेप पर जाएंगे, और इसका जो पाथ है पाथ पे क्लिक करके कॉपी करेंगे और सेकेंड वाली इमेज के पोजीशन पे जा करके हम यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देंगे। देन इसी तरीके से लाइन थ्री में करेंगे हम, तो लाइन थ्री में जा करके सिंपल हमको पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे थर्ड इमेज के पोजीशन पे जाएंगे हम और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि इन एनिमेशन को यहाँ पर ईजीज कर दीजिए और आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है। लाइक जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली इमेज है, तो फर्स्ट वाली इमेज को यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले तो इनको मूव कर देना है। तो यहाँ पे हम लाइन और इमेजेस को यहाँ पे मूव कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समथिंग 1:15 पे या फिर 2 सेकेंड के समथिंग हमने आपको रख लिया है यहाँ पे इमेज को, ठीक है। अब इसके बाद में ये मूव कर रहा है, अब मूव करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिले कर देना है यहाँ पर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो एनिमेशन है इसको डुप्लीकेट कर देना है यहाँ पर, और डुप्लीकेट करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर दे जाना है यहाँ पर। ये देखिए इतना डिले आपको कर देना है, तो यहाँ पे ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये इस तरीके से यहाँ पे नोट का एनिमेशन क्रिएट हो गया। सेम इसी तरीके से आपको इसमें करना है, तो ये देखें यहाँ पे हम इस तरीके से डिले कर देंगे, तो इसका भी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये देखें काफ़ी अच्छा एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो आइकन है, आइकन को आपको पेरेंट कर देना है इस शेप से। तो ये आपने आइकन को पेरेंट कर दिया शेप से, और शेप को पेरेंट कर देना है ब्लू बॉर्डर से, ठीक है। तो डायरेक्टली आप जो बॉर्डर से यहाँ पे पेरेंट कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे दोनों आइकन को और यहाँ पे शेप को जो है पेरेंट कर देना है बॉर्डर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको, ये देखिए इस तरीके से आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है स्केल की लगा दें, तो 15 फ्रेम पे आकर के हमने स्केल की लगा दी यहाँ पे सिंपल,
तो ये देखिए इस तरीके से हमको क्या करना है कि यहाँ पे स्केल की इसमें की लगा देनी है आपको। तो यहाँ पे स्केल की लगा दी आपने, ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया इसको 0, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये इस तरीके से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। देन इसके बाद में ये चीज़ यहाँ पे जाएगी, तो अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ये आए, और फिर इसके बाद में यहाँ से 1/15 से आप चाह रहे हैं तो सिंपल आपको इसको मूव कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे मूव कर दिया इसको, ठीक है। तो ये हमने मूव कर दिया यहाँ पे, ये एनिमेशन इस तरीके से आ रहा है, और ये यहाँ पे नोट का एनिमेशन। तो आप चाहें तो थोड़ा सा और पहले कर सकते हैं 1 सेकंड के आसपास। तो ये इस तरीके से आएगा, और फिर यहाँ पर ये आएगा, और फिर ये नोट का एनिमेशन आ रहा है। तो नोट के एनिमेशन को आप चाहें तो थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, यदि डिले लग रहा है आपको थोड़ा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरीके से नोट का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपने यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर दिया है। अब सिंपल ये जो मूवमेंट था, तो मूवमेंट आपको करना है, तो सिंपल आपने क्या किया, ये जो इमेज है, ठीक है, तो इस इमेज पे आना है आपको, और यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो है आपको इमेज देखनी, जैसे बॉर्डर हो गई, ये हो गया, तो इन दोनों को आपने पेरेंट कर दिया इससे। अब इसको आपको जो है मूव कर देना है, लाइक जैसे कि पोजीशन हमने यहाँ पे की लगा दी इसकी, या फिर आप सिंपल मूवमेंट कर सकते हो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में यहाँ पे। तो सिंपल मैंने क्या दिया, पोजीशन की लगा दी यहाँ पे, और आगे जाके 15 फ्रेम में हमने इसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव किया, ठीक है, और यहाँ पे जा करके वापस हमने इसकी को कॉपी कर दिया, और आगे जा करके हमने थोड़ा सा इसको राइट मूव कर दिया, ठीक है, फिर वापस से जा करके इसको हमने फर्स्ट वाली की को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब सिंपल हमको इसको थोड़ा सा स्लो कर देना है, तो ये देखिए हमने स्लो कर दिया इसको, ठीक है, तो 4 सेकंड पे हमने की लगा दी यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो ये लाइन है इनको मूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है कि इसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो लाइन है, जैसे कि लाइन आपकी ये है, तो यहाँ पे सिंपल जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इस लाइन पे आपको यहाँ पे की लगा देनी है, लाइक जैसे कि अभी के फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें अब हम इसको मूव कर रहे हैं आगे के साइड पे, तो जहाँ से ये एनिमेट होकर के आ जाएगा, पहले ये एनिमेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो सिंपल हमको करना क्या है कि इसमें जो है हम पाथ में जाकर के की लगा देंगे। यहाँ पे हमने पाथ में की लगा दी। अब देखें अब सिंपल क्या करना है हमें कि यहाँ पर जाकर के, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पोजिशन पर जाकर के यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ मूव कर रही है, लेफ़्ट में मूव करी, ठीक है। तो हमको क्या कर देना है कि यहाँ पे जाकर के लेफ्ट में इसको मूव कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट में मूव करा देंगे। तो पाथ में यहाँ पे की लगी हुई थी, सिंपल हम जाएंगे इसमें क्लिक करेंगे, और इसका जो पाथ है यहाँ पे इसको हम इधर मूव करा देंगे, ये लेफ्ट में। फिर आगे जाएंगे तो ये राइट में मूव किया, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को जा कर के यहाँ पे राइट में मूव करा दिया इधर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये राइट में मूव किया, अब ये इधर आया, तो हमने क्या किया, इसको हमने इधर मूव कर दिया। ये देखें इस लाइन को हमने इधर मूव कर दिया, ये ठीक है। तो अब आप देखें ये इस तरीके से लाइन मूव कर रही है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि ये जो लाइन ऐसे मूव कर रही है, तो सेम आपको इन सभी लाइंस को भी सेम तरीके से मूव करा देना है। तो जैसे ये लाइन मूव कर रही है, तो जैसे शेप के साथ में, वैसे इन सभी को भी आपको पाथ में जाकर के पाथ को एनिमेट कर देना है, और इन लाइंस को भी सेम मूव करा देना है। तो यहाँ पे आपका जो एनिमेशन है एज इट इज सेम टू सेम बन जाएगा, जैसे कि उस वीडियो में हमने देखा था। तो आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप जो वीडियो, आपको प्रॉब्लम आ रही है जिस वीडियो को क्रिएट करने में, आप भी चाह रहे हैं कि मैं उसका ब्रेकडाउन करके दिखाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेकर के आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द जो है आपके टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।